ताजा तरीन खबरों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रिजवान खान। और अब वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों का। आइए फटाफट नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। पहली जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो आ रही है हरियाणा के मेवात जिले के इंडरी खंड के गांव खेड़ा खलीलपुर से, जहां पर हिंदू मुस्लिम के तनाव को देखते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। जी हां, पुलिस अधीक्षक के पत्र की सलाह पर जिलाधीश नूह धीरेन्द्र खड़कटा ने इंडरी खंड के गांव खेड़ा खलीलपुर में हिंदू मुस्लिम के तनाव को देखते हुए दो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करने के आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश धीरेन्द्र खड़कटा ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 22 एक और 23 11 के तहत उक्त गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में लाला हरद्वारी लाल कॉलेज ताउडू के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर राजपाल व राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांगोली के प्रिंसिपल श्यामवीर को नियुक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उपमंडल अधिकारी नूह को नोडल अधिकारी होंगे। आपको बता दें कि आसिफ खान खेड़ा खलीलपुर की जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया उसके बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक के पत्र की सलाह पर जिलाधीश ने ये नियुक्ति की है। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हरियाणा के मेवात जिले से ही आ रही है, जहां पर मृतक आसिफ के परिजनों ने की मेवात वासियों से खास अपील। कहा है कि शांति बनाकर इंसाफ के लिए इंसाफ मांगा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पर एक दूसरे को धमकाया जा रहा है और साथ ही उन्हें बताया जा रहा है कि क्या कौन सा पक्ष सही है कौन सा पक्ष गलत है। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर के अब मृतक के परिजन कह रहे हैं कि इस तरीके की शांति को भंग ना किया जाए। शांत रह कर के मृतक आसिफ के लिए अगर न्याय मांगा जाएगा इंसाफ मांगा जाएगा तो वो सबसे बेहतर तरीका होगा। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार प्रशासन सहयोग कर रहा है और प्रशासन से हमें उम्मीद है कि जल्द ही बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी और हमारे आसिफ के लिए सही तरीके से न्याय मिलेगा, इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये मृतक के परिजनों ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सारी बातें कही हैं। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हरियाणा के ताउडू उपमंडल से आ रही है, जहां पर उपमंडल के गांव सूंद में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बता दें कि उपमंडल के गांव सूंद में नवविवाहिता महिला द्वारा फांसी लगाकर अपनी जान देने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि सूंद निवासी धर्मपाल ने पुलिस को बताया कि उनकी पुत्री सोमना की शादी 18 दिन पहले गत 4 मई को गढ़ी महेश्वरी जिला रेवाड़ी निवासी हरीश के साथ हुई थी। सोमना उनके यहां मिलने आई हुई थी और 21 मई शुक्रवार की रात खाना इत्यादि खाकर अपने कमरे में सोनी चली गई। शनिवार की सुबह 6 बजे जब उन्होंने उठकर देखा तो उनकी बेटी चुन्नी का फंदा लगाकर पंखे से लटकी मिली। उन्होंने बताया कि सोमना को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन कुछ समय से वो मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रही थी, जिसका उन्होंने अपने स्तर पर इलाज भी करवाया। मामले में जांच अधिकारी SI हरविंदर फोगार ने बताया कि मृतका के पिता के बयान पर शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है और बयान दर्ज कर लिए गए हैं। उसके बाद में शव को परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि हरियाणा के मेवात जिले से ही आ रही है, जहां पर पिनगवा में 24 मई को पंच सरपंच ग्राम सचिव और नंबरदारों के लिए वैक्सीनेशन शिविर लगेगा। जी हां, जिला प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों के बाद अब गांव में फ्रंट लाइन पर काम करने वाले पंच सरपंच ग्राम सचिव और नंबरदारों के लिए वैक्सीनेशन शिविर लगाने का फैसला लिया है। ये शिविर सोमवार यानी 24 मई को पिनंगवा PHC में 12 बजे लगाया जाएगा। शिविर के दौरान पुनाना के SDM रणवीर सिंह खुद मौजूद रहेंगे। इस बारे में पुनाना उपमंडल के करीब 270 नंबरदारों 115 सरपंच और गांव के सभी पंचों और ग्राम सचिव को सूचना भेज दी गई है। प्रशासन को उम्मीद है कि अगर गांव वालों में
फ्रंट लाइन पर काम करने वाले सरपंच और नंबरदारों को वैक्सीन लगाई गई, तो इससे अन्य लोगों में भी जागरूकता आएगी। और आइए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आ रही है, जहां पर उन्नाव में सब्जी विक्रेता किशोर के सिर में चोट लगने से जान चली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि सब्जी बेचने के बाद जब पुलिस ने उनकी पिटाई की, यानी फैसल नाम का शख्स है जो कि फिलहाल चर्चाओं में चल रहा है, चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि वर्दीधारी कुछ लोगों ने उनके साथ मार पिटाई की, और मार पिटाई इस कदर की गई है कि अब फैसल इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया है। और जब फैसल की मृत होने की सूचना परिवार वालों को मिली, तो उसके बाद में परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया, तो वहीं आसपास के लोगों ने पूरा का पूरा जो मार्केट है वो जाम कर दिया। बता दें कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में अपने घर के बाहर सब्जी बेच रहे किशोर की कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन को लेकर पुलिस की कथित पिटाई और प्रताड़ना के बाद मौत को लेकर हुए पोस्टमार्टम में पता चला है कि सिर में चोट लगने की वजह से सब्जी विक्रेता यानी कि फैसल की जान गई है। तो ताजा तरीन खबरों की दुनिया में आज के लिए बस इतना ही। शुरू होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।